है। अच्छा अब जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं मेन्यू में, जी पहले जी ये डिस्प्ले है, ये होता है सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारा, अच्छा यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते जी हैं। अब हम देखते हैं थीम, जी हैंडल लॉक लगाने के लिए इसको प्रेस करके रखना है एक अच्छा सेकंड के लिए, आपको अच्छा आवाज़ आ गई, ये लॉक लग गया है। ये हैंडल लॉक ओके लग गया है। ओके इससे जी 90% आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, जी क्योंकि इसकी जो रनिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ मिलेगी। नोटिफिकेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, मेन मेन्यू में कैसे जाना है, म्यूजिक कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों इस बार में दिखाने वाले हैं हम चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और किस प्राइस रेंज में जो है ये आपको मिलने वाला है, दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव है और मैं टू जेड व्हील रेस बच्चा पार्क चेतक शोरूम से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो सर ये जो सेगमेंट आया हुआ है आपके पास में, पहले तो ये जानना है कि ये कौन सा वेरियंट है आपके पास में और कितने वेरियंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके पास में आता है। सर ये हमारा चेतक प्रीमियम है जी, जिसमें कि आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक होता है टेक पैक और एक होता है विदाउट टेक पैक। जी जी जी। ठीक है जी। टेक पैक वाले के सभी फीचर्स जो हैं यहाँ हमने दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, जिसमें कि आपको स्पोर्ट मोड, हिल होल्ड असिस्ट, कलर LED TFT डिस्प्ले, साथ में म्यूजिक कंट्रोलर मिल जाता है, कॉल मैनेजमेंट मिल जाता है कि किसकी कॉल आ रही है और किसकी नहीं आ रही है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में फुल चेतक ऐप कनेक्टिविटी मिलती है आपको। अच्छा। साथ में आपको ट्रिप डाटा एंड ट्रिप एनालिस्टिक मिल जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद जियो फेसिंग आ जाती है। अच्छा। नोटिफिकेशन अलर्ट आ जाते हैं आपके फ़ोन पे आपका, जैसे कि हार्म आपके स्कूटर को करने की कोशिश करता है हैंडल को। अच्छा। या फिर आपको कुछ भी इसका जैसे कि चार्जिंग 100% हो गई है, चार्जिंग लो है, वो आपको टाइम टू टाइम अलर्ट करता रहता है नोटिफिकेशन के जरिए। अच्छा। डिस्प्ले थीम चेंजेस में आ जाता है, डिस्प्ले की थीम जो होती है हम अच्छा, उसको भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अच्छा। उसके साथ में इसको आपको ये सेटिस्फाइड रेंज जो कंपनी बोलती है वो 126 किलोमीटर के पर बोलती है एक सिंगल चार्ज में। साथ में आपको मिल जाता है इसको चार्जिंग टाइम, बहुत ही कम चार्जिंग टाइम हो जाती है। कितना चार्जिंग इसमें चार्जिंग टाइम आपको होता है 4 से 4.5 घंटे का। 850 वाट का चार्जर आपको मिलता है साथ में जी। उसके बाद में आपको इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर स्पोर्ट मोड पे 79 की आपको स्पीड मिल जाती है। अच्छा। 73 कंपनी बोलती है बट 79 तक मिल जाती है। बिल्कुल, यानी कि जो कंपनी बताती है वो 73 है वो टेक पैक के साथ में। अच्छा अच्छा जी। ठीक है, ये टैग पैक के साथ में आपने जैसे बताया हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी ये कन्फ्यूजन आता है कि भाई ये टैग पैक आखिरकार क्या काम करते हैं, आखिरकार ये है क्या, तो एक बार ये समझा। बेसिक जो होता है टेक्निकल पैक आता है एक। अच्छा, टेक्निकल पैक को एक टैग पैक बोला गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें कि बहुत से कस्टमर्स हमारे पास आते थे कि सर नहीं आपका ये जो है टॉप वेरियंट बहुत महंगा पड़ रहा है और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक हमें जो है बेसिक स्कूटर चाहिए कि हम लेकर के चल सके। ठीक है, हमें ना तो आपका हिल होल्ड चाहिए क्योंकि हम जैसे कि अभी हम मेरठ के अंदर है, मेरठ में बहुत सी जगह कहते हैं कि हमें हिल होल्ड नहीं चाहिए, जैसे ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे पहाड़ी इलाका नहीं है। तो उसी भी में ये काम आता है कि उसको हटा दिया जाता है। स्पोर्ट मोड में बहुत से कस्टमर्स आते हैं कि भाई हमें स्पोर्ट मोड यूजेस नहीं है, मैं तो 20-30 पे स्पीड पे चलने वाला हूँ, तो उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अच्छा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। हाँ, यानी कि अगर हम विदाउट टैग पैक लेना चाहें, हाँ, यानी कि टैग पैक लेने के बाद में तो ये जो सारी सुविधा दी है, हाँ, वो उसमें से 9000 आपका एक शोरूम में से कम हो जाता है। अच्छा 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 जी जी। यानी कि जो 9000 रुपये यहाँ पे अभी लिखा हुआ ये दिया, हाँ, ये जो एक शोरूम है इसमें प्लस हो जाता है अगर आप टॉप वेरिएंट लोगे इसका। अच्छा, और अगर आप टॉप वेरिएंट नहीं लेते हैं तो इसमें 9000 वाला जी नहीं तो लगेगा। सर क्या इसमें अभी टैग पैक लगा हुआ है? जी, एक महीने के लिए हम इसमें टैग पैक के है ना कुछ फीचर्स इसमें देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट मोड हो गया, कलर TFT हो गई, आपका हिल होल्ड हो गया और रिवर्स मोड हो गया। एक महीने के लिए मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक महीने के लिए मिलेगी। एक महीने के बाद जब आपको 30 दिन या फिर आप सर्विस कराएंगे उस टाइम भी ये बंद हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे अपने अभी क्या है कि आपसे सिंपल ले लिया है जी, उसके बाद में मैं 3-4 महीने बाद लगाना चाहूंगा टैग पैक। सर एक साल तक आप कभी भी ले सकते हैं? एक साल तक कभी भी? एक साल में कभी भी। अच्छा अच्छा, तो ये चीज है सर। एक बार और इसके फीचर्स देख लेते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं उनको क्या क्या सुविधा मिल जाएंगी अगर ये बाय करते हैं तो। सर जैसे कि आप जानते हैं 21 लीटर का आपको बूट स्पीड मिलेगा। अच्छा, 21 लीटर का ये रहा। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। साथ में चार्जिंग लीड मिलेगी आपको। ठीक है, चार्जर भी मिलता है साथ में? बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है जी। आपको फ्रंट में डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आपको मिल जाता है जी,
जैसे कि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, अच्छा। साथ में आपको टूल किट मिलती है, साथ में आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए मिलता है। अच्छा, यहाँ मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, साथ में आप मोबाइल चार्जिंग पे लगा करके यहाँ अपना मोबाइल रखते हैं, जिसको सेफ्टी पर्पज से दे रखा है। जी जी, एक बार मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल सर, ये चीजें हैं यहाँ पर भाई, और ये आप USB देख सकते हैं जी, जो कि USB पोर्ट जो है दिया गया है। अच्छा सर, ये बात तो ग्लो बॉक्स वगैरह होगी, आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो बजाज चेतक है उसमें ही ये सुविधा मिल रही है जी। क्योंकि मैंने एथर भी देखा है, और शायद ओला की भी मैं बात करूं तो ग्लो बॉक्स शायद ओला में भी नहीं आया। ग्लो बॉक्स उसमें भी नहीं है अभी, ग्लो बॉक्स सिर्फ चेतक में आपको मिलेगा विद, हाँ विद मेटल बॉडी के में मिलेगा आपको। अच्छा, 90% मेटल बॉडी है। अच्छा, ये प्रॉपर मेटल बॉडी है जी, ये आपको मेटल बॉडी में मिलता है। अच्छा, फ्रंट भी आपका, फ्रंट भी आपका मेटल बॉडी में मिलता है। अच्छा अच्छा, ये मेटल में आएगा, ये आपका फाइबर होगा, फ्लेक्सी फाइबर, हाँ फ्लेक्सी फाइबर में रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी लगता है ना तो सबसे पहले हमारा मरगाड़ लगता है। अब मरगाड़ गया है, अगर उसमें मेटल में रहेगा उसमें बार बार डेंट पड़ेगा। बट ये क्या है कि अगर आप फ्लेक्सी में देखोगे, अब ये काफ़ी फ्लेक्सी में आता है, आप इसको दबाओगे तो ये इतना ही प्रेस हो जाता है, तो इससे टूटता नहीं है। अच्छा, टूटता नहीं है जी, और ना ही आवाज़ करेगा, इसलिए भाई जैसे कि कोई पार्ट्स वगैरह खराब हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में पार्ट्स की बड़ी समस्या है? नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा दिल्ली रोड पे सर्विस सेंटर है। अच्छा। सॉफ्ट्रिक्स मॉल से पहले, जिसमें कि आपको सभी पार्ट्स अवेलेबिलिटी रहेगी हमेशा के लिए। इस बार इसकी जो है ना बैटरी की बात हो जाए कि बैटरी जो है कितने वोल्ट वगैरह की मिलेगी? इसकी बैटरी आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। अच्छा, 3 किलोवाट आवर? बिल्कुल सर, जिसमें कि आपको इसकी जो लाइफ है 7 साल या फिर 70,000 किलोमीटर बोलती है कंपनी। ठीक है, 7 ईयर? हाँ, 7 ईयर, 7 ईयर्स की आपको लाइफ मिलती है, और या 7 में आपका या फिर 70,000 किलोमीटर। तो सर ये बैटरी पैक तो लिखे होगा? बैटरी आई लेंथ बैटरी मिलती है इसमें आपको। सर, इसमें ना एक चीज़ और होती है कि ये NMC में आ रहा है कि केमिस्ट्री क्या आती है बैटरी की? LFP जी, LFP है। तो इसका मतलब सेफ्टी के रीजन से देखा जाए तो फिर ठीक है? सर, सेफ्टी के रीजन्स के लिए इसमें काफ़ी सारे आपका वर्क किया गया है। चेतक के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रखी गई है कस्टमर की सेफ्टी। अच्छा। जैसे कि इसमें आपको एक तो LPS में मिलता है। हाँ। साथ में आपको इसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ मिलेगा बैटरी को ठंडा करने के लिए बॉक्सेस में। अच्छा, यानी कि प्रॉपर बैटरी को कूलिंग भी मिलती है? कूलिंग के लिए भी लिया है। अगर आप जैसे कि चल रहे हैं, मान लो गर्मी में चल रहे हैं या फिर आपको हीटिंग हो गई है थोड़ी सी, तो पहले स्कूटर पर आपको स्क्रीन पर दिखाएगा यहाँ पर इधर की तरफ में आपको जी दिखा देगा वो तुरंत। अच्छा। यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा स्कूटर हीटेड बैटरी। अच्छा, अच्छा, कि बैटरी का जो है हीटिंग है, हीटिंग है तो क्या? उसको वो बंद करेगा पहले स्कूटर को। अच्छा, स्कूटर बंद कर दे। हाँ। अच्छा। आप साइड में लगाओगे। अच्छा। 5 मिनट के लिए फिर इसका फैन जो है ऑटोमेटिकली सेंसर के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं जैसे कि आपसे पूछना चाहूँ कि गर्म जो है कितने किलोमीटर तक जो है होता है? नहीं सर, किलोमीटर से फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा। कभी भी इसमें फ़र्क पड़ता है कि जैसे कि आपने परमानेंटली 3 से 4 घंटे धूप में खड़ा हुआ है। अच्छा, धूप में मेन चीज़ ये है कि धूप में नहीं खड़ा है? नहीं, धूप में खड़ा कर लो कोई दिक्कत नहीं, ये 7 किसी भी वेदर में यूज इसके लिए है। अच्छा। बट जैसे कि खड़ा होता है कहीं बॉयलर उसके बराबर में खड़ा होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर कहीं पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है, तब एक्स्ट्रा पावर मिलती है बैटरी को, तब हीट होता है। बट वो फैन क्या है, उसको बंद करेगा स्कूटर को, वो पहले ठंडा करेगा, उसके बाद ये आपको रनिंग में आएगा दोबारा। अच्छा। जिसमें कि 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये जो पॉसिबिलिटी है ये ज़्यादा देखने को मिलेगी कि कम देखने के लिए मिलेगी? बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, 90% में ऐसे 1-2% कभी कभी आता है। 1-2% जी, रेयर केस में आता है। रेयर केस में आता है जहाँ से पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वोल्टेज में, वहाँ पर वो चीज़ें। हाँ, बाकी फुल्ली सेफ? फुल्ली सेफ है। अच्छा सर, इसकी जो बैटरी की बात हो गई है, अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर कितने वोल्ट की मिलेगी? मोटर 3.4 किलोवाट आवर में। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो मोटर सर BLDC है या जो है कौन सी वाली? BLDC हब मोटर है। हब मोटर है, बिल्कुल BLDC है। अच्छा अच्छा, राइट सर। अब जो है जैसे कि हमें इसके फुटरेस्ट वगैरह की बात कर लेते हैं, सीट की बात कर लेते हैं, तो एक बार बताइए सर, इसकी सीट जो आती है हाइड्रोलिक सीट आती है आपकी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कलर सीट्स में आती है। अच्छा, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी में भी अच्छी, काफ़ी अच्छी होती है। फिर साथ में आपकी फुटरेस्ट की बात करें तो फुटरेस्ट भी इसके जो है सेम कलर वाइज हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको आप देख रहे हो हेजलनट कलर है, उसी के साथ में ट्रिम लगी हुई आती है इसकी फुटरेस्ट। अच्छा सर, इसमें मैं जैसे देख पा रहा हूँ लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, इसमें लेडीज़ फुटरेस्ट मैनी स्टैंड जो है आपको अलग से परचेज करना होता है उसका। अच्छा, क्योंकि यानी कि एसेसरी का पार्ट आता है, एसेसरी पार्ट सारा अलग लग जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इसके आगे अगर हम कुछ लगाना भी चाहें तो वो भी है कुछ? हाँ बिल्कुल सर, सभी है, गार्ड वगैरह सब कुछ आता है, एसेसरी सारे पार्ट्स मिलते हैं इसके एसेसरी के। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी सर, अब जो है इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं एक बार उस पर चले जाएँ जी।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ से मिलता है इसको सारा ये करने के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए आ गया है, यहाँ से रिटर्न करने के लिए है। अच्छा, अब जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं मेन्यू में, पहले ये डिस्प्ले है, ये होता है सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारा। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जी। अब हम देखते हैं थीम जी, आपको जैसे कि ये पहले थीम हमारी ये लगी हुई है, अब थीम ये हो गई है। अच्छा, ये चेंज हो गया, ये चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट। अच्छा, अब हमने थीम को चेक कर लिया, अब हमने ये एक्टिवेटेड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें फिर से नीचे जाएंगे तो हमें ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस, अच्छा आप इसको कम भी कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, इसको बढ़ाने के साथ साथ आप बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम घटा भी सकते हैं, ये होता है सेलेक्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ से बैग आ जाएंगे हम जी, फिर हम नीचे चलेंगे, ये आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अगर हम किसी से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करते हैं जी। फिर ये आती है हमारी सेटिंग्स। अच्छा, इसमें सेटिंग्स में आपको टाइम चेंज करने के लिए मिल जाता है जी, ठीक है। आपको साथ में टाइम डेट हो गया, फिर उससे इधर से नीचे चलेंगे तो स्लोट फेवरेट कि आपको बैटरी वोल्टेज देखनी है, डिस्टेंस टू सर्विस देखना है, जो भी आप करना है, गाइडेंस टू स्टार्ट। अच्छा, ठीक है, इसमें सेलेक्ट। अच्छा ठीक है, ये आपको सारे स्कूटर से क्या क्या चीज़ होती हैं, जैसे नई नोटिफिकेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, मेन मेन्यू में कैसे जाना है, म्यूजिक कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा, फिर आपको इन दोनों से क्या करना है, सभी बटन से। अच्छा, ये प्रॉपर गाइड है, ये प्रॉपर गाइड बुक मिल जाती है। अच्छा, गाइड बुक इसी में स्कूटर की। अच्छा सर, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं अपना कुछ? बिल्कुल सर, वो आपको चेतक ऐप में रखना होगा। अच्छा अच्छा, चेतक ऐप में, उसके लिए आपको चेतक ऐप आता है। अच्छा, जिससे ये ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। ओके, उसके अंदर आपको सारी सर्विसेज का, सारे डॉक्यूमेंट्स का, सारा डाटा उसके अंदर रख सकते हो। अच्छा, उसके अंदर रख सकते जी। अब सर, इसका जो है सस्पेंशन वगैरह, शोकर वगैरह की बात कर ली जाए। सर, सिंगल टेलीस्कोपिक शोकर मिलता है इसका, सिंगल साइडेड जी, सिंगल साइडेड मिलता है। ये डिस्क ब्रेक के साथ में जी, इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है। अच्छा, कोई लो वेरिएंट भी है जिसमें डिस्क ब्रेक ना? हाँ, इसके बाद में आपको एक अर्बन मिलेगा। अच्छा, अर्बन मिलेगा, बिल्कुल, वो हम बाद में दिखाएंगे जी। अब सर, एक बार इसके ऑन करके दिखा दीजिए। मैं ब्लिंकर्स दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जो है, अच्छा, काफ़ी यूनिक से जो है एकदम ब्लिंकर्स जी। पीछे की साइड से मैं पीछे की प्रोफाइल जो है वह भी दिखा देता हूँ सर। अच्छा, टायर्स जो है, टायर्स का साइज क्या रहेगा सर? 90 से 90 to 12। अच्छा अच्छा, 90x12। 90x12 के टायर्स इसमें दिए गए हैं जो कि ट्यूबलेस टायर्स हैं। और ये VLDC मोटर्स देख सकते हैं जो कि जैसे पानी वगैरह में चलता है। सर, IP67 रेटेड से आपके वाटर प्रूफिंग है। वाटर प्रूफ है, यस सर। ओके ओके। अच्छा सर, ये जितने भी अभी स्कूटर चल रहे हैं मार्केट में, जैसे ओला है जी और एथर है, आपके स्कूटर कितना डिफरेंट जो है रहने वाला है, ये मुझे एक बात। सर, आपको दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा वो 80 से 90% आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रनिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ मिलेगी आपको। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेते हो, झटका। अच्छा, इसके अंदर आपको झटका बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। आप इसको जब रनिंग करेंगे तो आपको बहुत ही कम ही ऐसा लगेगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार साइड से और देख लेते हैं कि भाई। बिल्कुल, आप इधर आ जाइए जी जी। आपको अच्छा ग्राफिक्स मिल जाएगा इसमें। कलर ऑप्शन इसमें हमारे पास तीन आते हैं सर। अच्छा, प्रीमियम में तीन कलर, जैसे कि हेजलनट हो गया, इंडिगो मेटेलिक और ब्रुकलिन ब्लैक। अच्छा, ब्रुकलिन ब्लैक आता है जी। तो एक अपना ये वाला हो गया है। आपको इसमें हैंगिंग करने के लिए सीट के अंदर, सीट के अंदर ही है जी। इस पे 3 kg तक का वेट कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या प्रेस करना होता है इसको? जी, इसको प्रेस करना होता है सर। अच्छा, ये ऐसे निकल जाएगा जी। बाकी काफ़ी जो है चीज़ें एकदम स्मार्ट जो है इसको बना दिया गया है। बाकी इसका अगर देखें तो डिज़ाइन बड़ा प्यारा लग रहा है जो व्हील्स जी। व्हील्स पे इसके ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक्स भी अच्छे से दे रखे हैं अभी काफ़ी साथ में। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि ये कीज जो दी गई है, ये की फॉब टाइप में, इसको सिर्फ आपको अपनी जेब में रखना है। अच्छा, साथ में 30 meter की रेंज में अगर आप हैं तो आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपका इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे कि आपकी गाड़ी उस जगह पे खड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, ऑन ऑफ के लिए क्या है? ऑन ऑफ के लिए कुछ है, एक सिंगल है, यहाँ से आप डबल टैप करोगे ये बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बंद हो गया। हाँ, अगर आपको जैसे कि बहुत से लोगों का ये ऑप्शन होता है कि हैंडल लॉक लगाने के लिए इसको प्रेस करके रखना है। अच्छा, एक सेकंड के लिए। अच्छा, आपको आवाज़ आ गई। ये लॉक लग गया है? ये हैंडल लॉक लग गया। ओके, ये 1.5 meter के अंदर फॉब रहेगा। अच्छा, VCU कंट्रोलर के तो ही ये काम करेगा। अच्छा, अभी जैसे कि इसको ऑन करना है तो कैसे? तो आपको सिर्फ एक बार सिंगल बटन दबाना है। अच्छा, ये और ये। अच्छा सर, चोरी होने का तो कोई नहीं सर? इसमें GPS ट्रैकर भी मिलता है, अगर आप टैग पैक यूज़ करते हैं तो वो पेरेंट में
जीपीएस ट्रैकर भी मिलता है साथ में, अगर 1.5 मीटर के अंदर चाबी है आपके पास तो ही इसको ऑन कर पाओगे। अगर अभी मैं इसको चाबी 1.5 मीटर के पीछे रखूँ आप इसको ऑन भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऑन नहीं होगा फिर? नहीं होगा। ओके, जैसे हमने एक बार जो है प्रेस किया तो ये ऑन नहीं होगा जी। ओके, ये चीज भी काफी बढ़िया है, यूनिक है एकदम। अच्छा, जैसे कि सेफ्टी के लिए हम बता रहे थे साइड स्टैंड वाला, और कुछ और क्या क्या इसमें जो फीचर्स मिल रहे थे वो? सेफ्टी के लिए आपको एक तो मैंने बता ही दिया है, एग्जॉस्ट फैन जो आपका आता है वो बैटरी में लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बैटरी के लिए देखा जाए तो काफ़ी जो है सेफ्टी के हिसाब से बहुत, काफ़ी सेफ्टी के पर्पज़ से हमने स्कूटर को बनाया है। बाकी ये साइड स्टैंड में भी कुछ फीचर्स हैं? बिल्कुल है सर, साइड स्टैंड अगर आपका लगा हुआ है आप इसको कोई ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, आप इसको ड्राइव मोड पर ही नहीं ले जा पाएंगे, रिवर्स मोड नहीं लगा पाएंगे आप कोई, अगर जब आप साइड स्टैंड हटाओगे तभी इसमें एक सेंसर लगा हुआ है उसको वो काम करेगा, तभी आप इसको ड्राइव मोड पर लेंगे। ये चीज़ है भाई काफ़ी बढ़िया और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट जो है बजाज चेतक ने भाई लॉन्च कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई आप लोगों को ये कितना जो है पसंद आने वाला है। सर, इसकी सबसे यूनिक चीज़ है इसका प्राइस। बिल्कुल सर जी, इतने सेफ्टी परवेज के साथ में, इतने ड्यूरेबिलिटी के साथ में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 लाख से नीचे या 2 लाख से नीचे नहीं मिलेगा आज की डेट में, इतनी सेफ्टी पर्पज़ के साथ में जी सर, जी सर, और इतनी रेंज में आपको जो ये स्कूटर सिर्फ मिलता है हमारे पास में, जो स्कूटर है दोनों वेरिएंट 1,23,319 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस, 1,23,319 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास जी। सर, फाइनेंस में डाउन पेमेंट कितने में हो जाएगा? सर, डाउन पेमेंट आपके 11,000 रुपये तक में स्कूटर छोड़ दें। 11,000 रुपये लेके जा सकते? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है अभी हमारे जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, फेस्टिवल पे आपको ROI 3.9 का चल रहा है। अच्छा, इतना ROI भी बहुत कम है? ROI भी वो काफ़ी कम है, लो डाउन पेमेंट पे आपको हम स्कूटर दे देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो प्राइस जैसे कि आपने बता ही दिया, ये भी बता दिया, बाकी कोई हमारी वीडियो देखता है उसके लिए कुछ बेनिफिट? बिल्कुल, आप उनको साथ में भेजिए, हम उनको एक हेलमेट गिफ्ट करेंगे इसके साथ। अच्छा, जो हमारी वीडियो दिखाएगा बिल्कुल, तो एक हेलमेट जो है वो गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट में दिया जाएगा। बिल्कुल, बाकी और कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं? सर, बाकी जो आएगा आपका रेफरेंस देगा, जो बेसिक हो सकेगा वो हम दे पाएंगे जी। तो भाई ये है गौरव जी ने दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो हैं डिटेल्स में बता दी हैं, और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और इसको बाय करने के लिए इनका जो नंबर है वो मैं डिस्प्ले पर शो करा दूंगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।